हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। पुरानी वीडियो किसी कारण मुझे कट करनी पड़ी, बट इस बार इस वीडियो में हम आपको आगे का काम करना दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जहाँ से हमने कट किया था, वहाँ से स्टार्ट करें। उसके नीचे हम एक नव एल आई और पावर फैक्ट्री यूज़ करेंगे। उसको मैंने स्टार्ट किया कली बेसिस, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। जैसे कि मेरा माउस पे जाए तो कलर शो हो, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 0 3 3, और फिर बाद में हम आगे कलर दे देते हैं कि हमारे जो वहाँ पे टेक्स्ट कलर है वो कौन सा है, CC3। और उसके बाद मैं यहाँ पर अब इफेक्ट लगाने जा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था, स्पेशल इफेक्ट्स। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ओवर पे इफेक्ट आ रहे हैं। इसकी हम थोड़ी और स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लगाने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे स्केल 1.1, और मैं 1.1 यूज कर लेता हूँ। इसको मैं 1.5 कर देता हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों किया मैंने ये। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांजिशन दे देता हूँ लीनियर, और ऑल 0.3 सेकेंड, मतलब हमारा कर्सर जाए तो 0.3 सेकेंड तक वो इफेक्ट शो हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा, जैसे ये थोड़ा स्केल हुआ है, आप देख लेते हैं वो थोड़ी विड्थ थोड़ी हमारी बड़ी है, वो 1.5 मैंने इसीलिए लगाया था, और ये 1.1 इसलिए कि हमारी थोड़ी हाइट बड़ी थी। तो हम नीचे को नव कर लेते हैं, नव एल आई पावर, उसके बाद एंकर टैग के ऊपर हम चाहते हैं का कलर हो जाए, हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से जो भी आपको पसंद हो आप सेलेक्ट कर लेना। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फॉन्ट विड्थ दे देता हूँ, सॉरी फॉन्ट वेट मैं दे देता हूँ यहाँ से बोल्ड, मैंने यहाँ फॉन्ट विड्थ बोल्ड, और इसको क्लोज कर दिया। और एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन थोड़े बोल्ड हो गए हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारा वो इफेक्ट चल नहीं रहा। तो मैं देख लेता क्या प्रॉब्लम। जी हाँ, यहाँ पे मैंने ऑल के साथ कर दिया था। अब आप देखेंगे यहाँ पे इफेक्ट, तो ये देखिए कितना अच्छा 0.3 सेकेंड के अंदर हमारे पास है। जैसे जैसे हम कर्सर लेके जा रहे हैं आगे हम सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नव में मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक। अब मैंने ब्लैक दे दी, ये देखिए ब्लैक, और अब कितना अच्छा लग रहा है, अब आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं वेट यहाँ पे कम कर देता हूँ 150-250 करके देखते हैं। ये थोड़ा वेट हमने छोटा किया, अब थोड़ा उसके बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, मुझे कुछ और चाहिए नव के लिए। ये मैंने करके देखा बट ये नहीं दिख रही, इस पर टेक्स्ट ये मुझे नहीं अच्छा लगा। उसके बाद मैं दोबारा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू ले लेता हूँ, और सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो जी हाँ, जैसा मैंने दिखाया था आपको वैसा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद हम आगे की स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे मैं मार्जिन इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैं मार्जिन डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ी सी विड्थ और कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स, जैसे जैसे आप विड्थ की अलाइनमेंट करेंगे वैसे वैसे थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ी अलाइनमेंट करके देख लेता हूँ कि कैसा मुझे चाहिए प्रॉपर, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 250 दे दिया, हम इसकी हाइट भी कम कर देते हैं 450, और इसकी मैं पैडिंग कर देता हूँ 20 पिक्सल। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये 20 पिक्सल की पैडिंग हो गई है, इसकी हाइट आप देख सकते हैं कम हो गई कलर से, और यहाँ पर हमने विड्थ भी थोड़ी बढ़ा दी है। स्टाइलिंग कर लेते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये हैश नहीं लगाया था। जी हाँ, अब हम रिफ्रेश करते हैं। जी हाँ, आप देखिए अब स्टाइलिंग दिख रही है,
तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो हमें थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ जाता है कई बार, तो इसीलिए कई बार वीडियोस बड़ी बन जाती हैं। तो हम यहाँ पे मार्जिन सेट कर देते हैं ऑटो, और यहाँ पे हम मार्जिन सेट कर देते हैं, यहाँ पे भी मार्जिन हम ऑटो सेट कर देते हैं, और हम देखते हैं। पर हमें ये जो नाव में टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मार्जिन डिलीट करके मार्जिन कर देता हूँ लेफ्ट की जगह। मार्जिन हम राइट से चाहते हैं, तो मैं मार्जिन यहाँ राइट से पहले 30 पिक्सल करके देखता हूँ। तो जी हाँ, सेंटर में आ रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं, बट मैं 50 पिक्सल करके देखता हूँ, तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। के बाद अब हम यहाँ पर ये हम देखते हैं कि अच्छे से क्यों नहीं आ रहा है, हमने एक न्यू नव में ले लेते हैं इसको, फिर सेव करके देखते हैं। बट अभी भी वही प्रॉब्लम है कि लेफ्ट से हमारे ऐसे आ रहा है, राइट से हमारे ऐसे आ रहा है, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं आ रहा। अभी देख सकता हूँ मैं, थोड़ी स्केलिंग बढ़ा लेता हूँ, मेरे को विड्थ भी थोड़ी बढ़ जाए। तो एनी वे विड्थ हमारी राइट साइड से तो चलो सही जा रही है, हमको यही रख लेते हैं। मार्जिन थोड़ी राइट 30 कर दी है, 40 करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, और इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसे जैसे आप कर्सर लेके जा रहे हैं। कंट्रोल एस करके आप सेव कर लीजिए। उसके बाद हम एक और नव लेंगे और ULLA के ऊपर हम एक और इफेक्ट लगाएंगे, जिसमें हम बॉर्डर सेट करेंगे, बॉर्डर बॉटम सेट करेंगे, और वो करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर होगा हमारा हैश 1399B9। और क्लोज करके अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, आप देखिए बॉर्डर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम अब बॉर्डर टॉप भी लेंगे, हमारा बॉर्डर बॉटम था, नीचे से हमारी लाइंस आ गई हैं। ऐसे ही हम बॉर्डर टॉप भी लगाएंगे, बॉर्डर यहाँ पे तो आ नहीं रहा, चलो हम ऐसे ही टाइप कर लेते हैं BORD बॉर्डर टॉप, यहाँ आ गया। उसके बाद हम कलर वही दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और हैश 1399B9। आप कोई भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर पसंद हो, आपको वाइट भी दे सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। बढ़िया, मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया। तो हाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं, जूम हो रहे हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ मेन्यू में भी थोड़ा हम चेंजेस कर सकते हैं, जो हमें मेन्यू दिख रहा है उसके हम एक बार स्टाइलिंग देख लेते हैं। मेन्यू सेंटर से हम यहाँ पर दे देते हैं मार्जिन बॉटम, हम दे देते हैं 10 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसको, चूज कर लेता हूँ वाइट, वाइट या ग्रे, वाइट ही देख लेते हैं। बट यहाँ पे जो हमारी बैकग्राउंड कलर उसको मेन्यू टेक्स्ट पे आ रहा है, तो हम बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, हम इसको मेन्यू ऐसे ही रहने देते हैं। मैंने कैसे सेव कर ली, क्योंकि दोबारा हम इसमें स्टाइलिंग में आए, और अब हम यहाँ पर बाकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे हाइट और विड्थ सेट की थी, ऊपर नव की हमने हाइट सेट की थी, वैसे हम मेन की भी हाइट सेट कर लेते हैं, 450 कर लेते हैं, जैसे नव की थी 450। और अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। कंटेनर में थोड़ी हाइट हमने 600 कर दी, रिफ्रेश करें तो कंटेनर हमारा ऊपर आ गया है, बट अभी भी फूटा नीचे, ये देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, देख लेता हूँ मैं, हाइट 450, 450
कंटेंट, जी हाँ यहाँ पे हमने कंटेंट का 650 रखा ही है क्योंकि हम कंटेंट में हमने नब और मेन डिफाइन किया हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा लेआउट कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसा हम चाहते थे वैसा वैसा काम कर रहे हैं।